नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ऐलान हो चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस को नया बॉस मिल चुका है। कांग्रेस की तरफ से औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। शशि थरूर ने हालांकि हार मानी है और खड़गे को अपने अनोखे अंदाज में बधाई दी है। तो देखिए, 17 तारीख को वोटिंग हुआ था। करीब 9,500 से ज्यादा डेलीगेट्स ने अपना वोट कास्ट किया था। आज काउंटिंग जैसे ही हो रही थी, वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे प्रबल दावेदार पहले ही दिन से माने जा रहे थे। अब देखिए, फाइनली पटाक्षेप हो चुका है। कांग्रेस को नए अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे मिल चुके हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। देखिए किस तरीके से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आतिशबाजी, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे, सेलिब्रेट किया जा रहा है दक्षिण से। हालांकि दोनों ही कैंडिडेट दक्षिण से थे, लेकिन देखिए किस तरीके से यहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। यानी तो मल्लिकार्जुन खड़गे 24 अक्टूबर रोड पर आकर मधुसूदन मिस्त्री के ऑफिस में ये कार्यक्रम हो सकता है और उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। सर्टिफिकेट देने के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे अगले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होंगे। सोनिया गांधी का जो नेम प्लेट यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, वो नेम प्लेट हट के मल्लिकार्जुन खड़गे का नेम प्लेट लग जाएगा। देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ कांग्रेस मुख्यालय में इस जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप देखिए कि ढोल नगाड़े के साथ ही लगातार एक जश्न का माहौल है और सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की अलग अलग कोने से आए हुए हैं, भारत की अलग अलग कोने से आए हुए हैं और इस बात की ओर लगातार कोशिश की जा रही है कि वो एक झलक मल्लिकार्जुन खड़गे का पाना चाहते हैं। अब इसी की महिलाएं भी नाच रही हैं, झूम रही हैं और एक जश्न का माहौल 24 अक्टूबर रोड के अंदर दिखाई दे रहा है। और कह सकते हैं कि दिन का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। देखिए हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, लेकिन देखिए किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है इस जीत के जश्न को। कर्नाटक से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। 1978 में भी उन्हें विधानसभा चुनावों में जीत मिली थी। कर्नाटक के गुलबर्गो से कांग्रेस सांसद के रूप में भी वो चुने गए हैं। 10 बार से ज्यादा विधानसभा चुनाव जीतने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। कांग्रेस शासन के दौरान भी कई बड़े पदों पर रहे हैं और उन्होंने हमेशा से ही अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं और देखिए 16वीं लोकसभा में भी नेता विपक्ष के रूप में नॉमिनेट हुए थे। देखिए उनका जन्म 21 जुलाई 1992 को कर्नाटक में हुआ है। एक बड़ा दलित चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे। और देखिए कहीं ना कहीं चुनाव है अगले साल और एससी समाज को साधने की कोशिश यहां पर कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है। एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। 137 सालों के बाद देखिए छठी बार कांग्रेस की तरफ से ये चुनाव किया गया है और 22 साल के बाद गांधी परिवार से गैर ये कांग्रेस अध्यक्ष मिले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। हालांकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। लेकिन उससे पहले देखिए किस तरीके से जश्न की तस्वीरें लगातार आ रही है। हाथों में कांग्रेस का झंडा और आतिशबाजी, ढोल नगाड़े बजाकर जीत का जश्न मनाते हुए वहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ता। पहले से ही पलड़ा मल्लिकार्जुन खड़गे का भारी था, लेकिन देखिए यहां पर शशि थरूर ने भी अपनी हार स्वीकारी है और मल्लिकार्जुन खड़गे को शुभकामनाएं दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेहा केशरवानी रायपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा, दिल्ली की तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, वहां पर किस तरीके से जीत का जश्न मनाया जा रहा है, रायपुर से क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? देखिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी एक खुशी का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जरूर ही जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी लोगों ने जो है वो बधाइयों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और लगातार मंत्रियों के कांग्रेस से जुड़े तमाम जो वरिष्ठ नेताओं हैं उनके बधाइयों का सिलसिला आना यहाँ पर शुरू हो गया है। हाल ही फिलहाल में मंत्री रविंद्र चौबे का भी बयान सामने आया है, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को लेकर के बधाइयाँ भी दी है और वहीं
कांग्रेस के जो तमाम संचार विभाग के प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने भी जो है वो पहले से ही बधाइयाँ जो है वो दे चुकी है। कहीं ना कहीं खड़गे जी को लेकर के छत्तीसगढ़ कांग्रेस में पहले से ही ये माहौल बना था कि खड़गे जी को ही लेकर के जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। 300 से भी अधिक डेलीगेट्स ने यहाँ पर वोटिंग की थी और जो डेलीगेट्स जब यहाँ पर पहुँचे हुए थे तब जो है उनमें एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा था और कुछ डेलीगेट्स ने वोटिंग के ठीक दौरान ही इस तरीके की बातें जो है वो कही थी। खड़गे जी को लेकर के साफ अनाउंसमेंट कर दिया था कि वे खड़गे जी के जो है वो पक्ष में हैं और उन्होंने वो उन्हें ही वोटिंग देने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से अब सेलिब्रेट के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देने का तांता अब लग चुका है। नेहा केशरवानी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। नेहा, देखिए अब दिल्ली मुख्यालय के बाहर तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर्स लगने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल रायपुर में राजीव भवन के आसपास और बाहर क्या तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? और बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी एक अलग ही उत्साह का माहौल है। खड़गे जी को लेकर के खास तौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनको बधाई देने के लिए दिल्ली जा सकते हैं, इस तरीके की जानकारी भी यहां पर सामने आई है। फिलहाल आधिकारिक शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, लेकिन आज शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दिल्ली जा सकते हैं खासतौर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बधाई देने के लिए। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, जो कि दिल्ली में ही इस वक्त उनकी मौजूदगी है, खासतौर से आज की मतगणना को लेकर के वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो खासतौर से छत्तीसगढ़ के जो तमाम वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ लोग हैं, जो उन्हें उनके जो बधाइयों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। कुछ देर पहले ही जो है कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी यहाँ पर सामने आया है। ठीक है नेहा, आप बने रहिए हमारे साथ। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है बीजेपी हो या कोई और पार्टी हो जो ऐसे निष्पक्ष होकर चुनाव कराए, किसी भी पार्टी में ऐसे चुनाव नहीं होता। और हमें खुशी है कि खड़गे जी जो अध्यक्ष बने हैं वो महिलाओं को, युवाओं को, सबको साथ लेकर चलेंगे और पार्टी को काफी मजबूत करेंगे। आदरणीय राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा करना शुरू की हुई है उससे भी लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है, युवा भी काफी उनके साथ है और आने वाले टाइम में कांग्रेस काफी मजबूती से आएगी और हम अपना एक स्थान बनाकर हम कांग्रेस पार्टी ही जीत कर आएगी। शशि थरूर को किस रूप में आप देखती हैं? शशि थरूर को किस रूप में देखती हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत है या राहुल गांधी की जीत है? ये राहुल गांधी जी की जीत है, अध्यक्ष खड़गे जी हैं और पार्टी के जमीनी नेता हैं, जो पार्टी
आज हमारी मजबूत पहले से भी थी, लेकिन खड़गे जी एक जमीनी नेता है, मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बहुत प्रभाव पड़ेगा आने वाले 2024 में। राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होंगे और कांग्रेस हमारी मजबूत पहले भी है कि पूरे मुल्क के हालात, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर रहा है आप पूरे दुनिया को लोग मालूम है। मेरा जो यात्रा कन्याकुमारी से निकला है, वे पूरे देश एकजुट कंधे में कंधे लगा के राहुल जी के समर्थन दे रहे हैं और 2024 में ये बदलाव बहुत जरूर होगा। खड़गे जी जमीनी नेता है, उनसे बहुत खुश है और पार्टी बहुत ही मजबूत होगी, इसका कोई बेमिसाल नहीं। यानी कि आपने देखा कि लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश हैं, लेकिन ये राहुल गांधी की जीत है ये भी कहने से बच नहीं रहे हैं। तो कार्यकर्ता मोहन मरकाम छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहन जी आपका बहुत स्वागत है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में एंड मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय खड़गे साहब का निर्वाचित होना कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। करोड़ों कांग्रेसियों की इच्छा थी, हमारे पीसीसी डेलीगेट की इच्छा थी कि खड़गे साहब बने और उनके दीर्घकालीन राजनीतिक अनुभव का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिले और पूरा देश में कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़े। वही हमारे कांग्रेसों की मनता के अनुरूप खड़गे साहब निर्वाचित हुए हैं। कहीं ना कहीं 2023 के चुनाव, 2024 के चुनाव और आने वाले चुनाव हिमाचल और गुजरात के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा। जी देखिए, यहाँ पर बड़ी जीत हुई है, 7000 से ज्यादा वोट उसमें मिले हैं, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है मोहन जी। देखिए, जिम्मेदारी अगर कोई पद में बड़े पद में कोई व्यक्ति बैठता है तो जिम्मेदारियां तो बढ़ती है और उस जिम्मेदारियों का निर्वहन आदरणीय खड़गे साहब करेंगे। कैसे 9 बार के सांसद, 9 बार के विधायक, उसके बाद सांसद, फिर कैबिनेट मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, जैसे कई पदों पे रहे तो उनके अनुभव का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और हम सब बहुत खुश है और हम कांग्रेस जनों में एक जबरदस्त उत्साह है और कार्यकर्ता रिचार्ज के साथ आगे बढ़ेंगे और चुनाव में भी उसका लाभ हमारे कांग्रेस पार्टी को और हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए अनुभव का फायदा तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जीत बड़ी है और जश्न भी उतना ही बड़ा, लेकिन उम्मीद भी उतनी ज्यादा होगी छत्तीसगढ़ को स्पेशली, बताइए जरा क्या उम्मीदें होगी। देखिए, हम 2023 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में दोबारा सरकार कैसे बने, हमारे आदरणीय खड़गे साहब का मार्गदर्शन मिलेगा। जब विधायक दल की बैठक हुई थी और हमारे प्रवेशक थे खड़गे साहब छत्तीसगढ़ आए थे, उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी चयन किया था, तो कहीं ना कहीं उनके अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा और हम 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार में आएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको शुभकामनाएं, लेकिन सर इस जीत को किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हो आप लोग? धन्यवाद। ठीक है ठीक है, मोहन मरकाम जी देखिए खुशी से फूले नहीं समा रहे, हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता इस जीत के जश्न को सेलिब्रेट कर रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए बधाई देने का तांता अब शुरू हो गया है। कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से आतिशबाजी और पटाखे ढोल नगाड़ों के साथ जीत के जश्न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोहन मरकाम ने बाकायदा फूलों का बुके देकर ये शुभकामनाएं दी है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए यहां पर बड़ी जीत है और जाहिर सी बात है उम्मीद भी ज्यादा होगी और सेलिब्रेट भी उसी तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा दलित चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण से बेशक आते हैं, लेकिन दक्षिण से चुनिंदे कुछ ऐसे नेता हैं जो फ्लुएंटली हिंदी भी बोलते हैं, उनमें से एक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिनकी पकड़ अच्छी है, जमीनी नेता है, गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं। देखिए जीत यहां पर बहुत बड़ी है, उम्मीद भी उतनी ज्यादा होगी और जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है, लेकिन तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में भी है, उसके बाद से लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में देखना होगा कि इन तमाम बड़ी जिम्मेदारियों को किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे निभाते हैं। वैसे भी जब जब उन्हें अहम पदों पर रहे वो अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को निभाते आए हैं, लेकिन ये ताज कांटों भरा ताज है। थरूर साहब, हार के बाद भी आपके नाम की काफी चर्चा है, आप मुस्कुरा रहे हैं अभी भी लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं,
wait. Redundant. Wait. Definitely. In your meet. All. शशि थरूर हालांकि दोनों दक्षिण से आते थे, लेकिन देखिए शशि थरूर ने यहाँ पर हार स्वीकार की है और मल्लिकार्जुन खड़गे को शुभकामनाएं दी। अभी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़े हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से सुरक्षा का चप्पा व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और जश्न की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ तमाम प्रदेशों में कांग्रेस मुख्यालयों में कुछ कमोबेश तस्वीरें ऐसे ही निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए शशि थरूर ने हार बेशक मानी है लेकिन शुभकामनाएं दी है खड़गे को। वैसे भी पहले से ही मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा ज्यादा भारी था। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 22 साल के बाद गैर राजनीतिक कांग्रेस से, कांग्रेस को नया बॉस मिला है मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, इंतजार है, लेकिन उससे पहले से ही जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर्स लगने शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, वहां पर भी कांग्रेस मुख्यालय से ऐसी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है। और छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ से हमने बातचीत की है और हर कोई खुश है और बस आगे की ये जो जिम्मेदारी मिली है इसको किस तरीके से सफलतापूर्वक निभाना है ये बड़ी चुनौती होगी। लेकिन अब देखिए कहीं ना कहीं ये कांटों भरा ताज मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर, इस जिम्मेदारी को निभाना अपने आप में बड़ी चुनौती होगी। कांग्रेस शासन के दौरान दो अहम पदों पर रहे हैं, रेल और लेबर मंत्रालय का प्रभार भी उन्होंने संभाला है। दलित चेहरा, एक बड़ा दलित चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे, और एक यहां पर मैसेज देने की भी कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है, दलितों को साधने की कोशिश। और देखिए उनकी पूरी जर्नी हम आपको बता रहे हैं। 1978 में भी उन्हें विधानसभा चुनावों में जीत मिली थी। 8 से 10 बार के विधायक वो रह चुके हैं और 2 बार सांसद रह चुके हैं और हमेशा से ही दलितों की, पिछड़ों की आवाज को बुलंद करते रहे हैं और गांधी परिवार के बेहद करीबी। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जुटे हुए हैं और 1000 किलोमीटर उन्होंने अपनी यात्रा को कंप्लीट किया है और दूसरी तरफ देखिए आज कांग्रेस को नए अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे एक मिल चुके हैं, नया बॉस कांग्रेस का मल्लिकार्जुन खड़गे। दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस को ही मजबूत देने के लिए जमीनी स्तर पर अपनी पैठ को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के तहत लगातार अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए कुल मिलाकर पूरी तरीके से कांग्रेस ने कमर कस ली है। लाइव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं दिल्ली मुख्यालय से। देखिए किस तरीके से यहाँ पर अब दिग्गजों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ढोल नगाड़े के थाप पर यहाँ पर कार्यकर्ता झूम रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। दिवाली से पहले ही दिवाली की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस की तरफ से अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है। शशि थरूर ने हार मान ली है, खड़गे को शुभकामनाएं दी है। 7897 वोटों से यहां पर प्रचंड जीत हासिल की है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से जीत के जश्न में डूबा हुआ है कांग्रेस मुख्यालय। यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों से भी कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। देखिए दिवाली से पहले दिवाली की तरह कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष 22 साल के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, जो गैर गांधी परिवार से आते हैं, यहाँ पर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। अजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अजय, दिल्ली मुख्यालय की तस्वीर तो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहां पर किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है, भोपाल से क्या तस्वीरें आ रही है, किस तरीके से वहां पर जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा है? देखिए सवाल सबसे बड़ा कांग्रेस के अंदर का हैगा और 2 दशक बाद कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिला है
और मल्लिकार्जुन खड़गे की यदि बात कर लूँ या शशि थरूर की बात कर लूँ, जिस प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर मैं मौजूद हूँ, इस प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में दोनों ही कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने आमद दर्ज कराई थी और दोनों ने अपने अपने पक्ष में जो है समर्थन मांगा था और दोनों को अपने अपने पोलिंग बूथ एजेंट भी मिले थे और कमलनाथ जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनसे भी दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी और कमलनाथ ने दोनों को समर्थन का भरोसा दिलाया था। जहाँ शशि थरूर की शिकायत ये थी कि उनको कई प्रदेशों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मिलने का वक्त नहीं दे रहे थे और कई नेता मिल नहीं रहे थे, कई जगह उनको पोलिंग बूथ एजेंट नहीं मिले थे, तो चुनौती कांग्रेस के सामने भी थी। अब कांग्रेस के आंतरिक चुनाव थे, कांग्रेस के अंदर का चुनाव था और प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर के बाद हालांकि ऐसे कोई जश्न का माहौल नहीं है लेकिन गहमा गहमी जरूर है। कांग्रेस के नेता जो है जैसे जैसे परिणामों की आधिकारिक घोषणा होगी उसके बाद प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर के अजय कौन कौन नेता पहुंच चुके हैं अभी मिल सकता है, लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस के बाहर कार्यकर्ता मौजूद है। देखिए मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हाफिज मौजूद हैं, अब इनके चेहरे पे मुस्कुराहट है नहीं है मुझे नहीं मालूम, दो दशक बाद कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिला है, इस पे कितना खुश हैं आप? देखिए कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर लोकतांत्रिक तरीके से आता है तो उस पार्टी के लिए गौरवान्वित करने का वो लम्हा होता है कि एक राजनीतिक दल ऐसा है जो लोकतंत्र की बातें तो करता है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन लोकतंत्र कुछ है ही नहीं उनके अंदर, बंद कमरों में अध्यक्ष तय होते हैं, जेपी नड्डा जी हों या कोई भी हों, आडवाणी जी कौन चुनाव प्लेस टुडे 19th October 2022 इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द कॉन्टेस्टेड कैंडिडेट द टोटल वोट polled are 9,385. I repeat, the total votes polled are 9,385. Shri Mallikarjun Kharge 7,897 vote. Mallikarjun Kharge 7,897 vote. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।